दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करी थी। काफ़ी दिनों हो गए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए शूट नहीं किया है। कैमरा वगैरह सेट कर दिया था, तैयार हो गई थी, बस फैन ऑफ करके मैं बैठी थी वीडियो शूट करने के लिए। अचानक मेरे दोस्त का फ़ोन आता और बताता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। जब उसने ये बात बताई ना, कसम खुदा की मैंने यकीन नहीं किया कि ये सच बात है। बार बार बोली तू पागल है क्या। लेकिन उसने फ़ोन काट दिया और मैंने सर्च किया और ये खबर मतलब रियल में देख करके मेरा इतना अंदर से दिल दुखा है ना कि कुछ लोग होते हैं जिससे कि आप बहुत अटैच होते हैं, जिसको पसंद करते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला भी उनमें से एक है जिनको जो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद है। एक रियल पर्सनालिटी, जो मुंह में है वो बोला लोगों के सामने, उन्होंने अपनी बात रखी। बिग बॉस में वो जिस तरीके से लोगों को उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई, लोगों को पसंद आई, इसी वजह से उन्होंने बिग बॉस 13 जीता। लेकिन या खुदा क्या क्या हो रहा है, मतलब 2020-2021 मतलब क्या क्या बुरे वक्त दिखाएगा, क्या क्या लेकर आएगा। बेशक ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, ये चीज़ तो आनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब आप उस चीज़ पर यकीन नहीं कर पाते। और मेरे साथ भी ये ऐसा है कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला ने जिस प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, बालिका वधू, उसी प्रोडक्शन हाउस में मैंने भी जॉब किया है स्पेयर ओरिजिन। और सिद्धार्थ शुक्ला को मैंने बिग बॉस 13 में बहुत सपोर्ट किया है, बिग बॉस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, मैंने बहुत सपोर्ट किया। लोग कहते थे लड़ता रहता है, लेकिन नहीं, मैं कहती थी जो बोलता है वो सही बोलता है। और आज ये खबर सुनने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी थी, मैंने बाकायदा वीडियो लिख ली थी, शूट करी थी कि आज आप लोगों को ये वीडियो मैं अपलोड करके दूँगी, लेकिन अब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मतलब आप लोग के लिए वीडियो अपलोड आज करूँ मैं। फिलहाल ऊपर वाला क्या बोलूँ मैं, मेरे पास एक भी शब्द नहीं है। ऊपर वाला सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति दे परवरदिगार, उनकी माँ को जो उन्होंने अपना जवान बच्चा खोया है, क्या बोलूँ मैं।